الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود الله تكلم به وأن هذا القرآن الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق أنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا موديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف میرے محترم سامعین آج درس کا موضوع یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے قرآن منزل ہے غیر مخلوق ہے اسی سے شروع اور اسی کی طرف عود کر جائے گا اور اللہ تعالی نے قرآن جو اس کا کلام ہے اس کو حقیقت میں بولا ہے اس کے ساتھ تکلم کیا کتاب کے فصل اول میں اس بحث میں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے تو اس نقطے پر اس کے متعلق اعتقادی مسائل پر بھرپور گفتگو ہو چکی ہے متابعت کرنے والوں نے یقیناً سنا ہوگا یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طویل عبارت میں جسے میں نے ابھی پڑھا اس مسئلے کو دوبارہ ذکر کیا مقاصد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے یہ ہے نمبر ایک کہ یہ مسئلہ کلام اللہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ
बल्कि कलामुल्लाह तो वह मसाला है कि जिसमें सबसे ज्यादा बहसो जिदाल वाके हुआ है, बड़ी बातें रही हैं, इतनी गुफ्तगु हुई है, इतना कलाम कलामुल्लाह के मसाले में हुआ है कि पूरे मसाले अकीदा को बिलखसूस मुतकल्लिमीन व दीगर फिरक ने उसका नाम ही इल्मुल कलाम रखा कि मसाले कलामुल्लाह बहुत अहमियत का हामिल मसाला रहा है। दूसरी बात यह है कि जो इसकी इसके अंदर जहमिया मोतजिला कुल्लाबिया अशायरा मातुरीदिया इनके मवाकिफ और दीगर फ़िरक़े ग़ाल्ला के अक़वाल व आरा व मज़ाहिब फासिद व बातिल और मसले कलाम के निकात में उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की गलतियां की हैं और अल्लाह ताला की इस अजीम सिफत सिफत कलाम और अल्लाह ताला की अजीम किताब कुरान करीम से मुतालिका जो मुदल्लल एतकाद एक मोमिन का होना चाहिए उसके ताल्लुक से बड़ी गलतियां की हैं। इसलिए भी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इस मसले को कदर तफसील के साथ यहां मुकर्रर बयान किया। दूसरी वजह यह भी है कि वहां पर सिफते कलाम के और यहां पर खुद कुरान करीम की तारीफ के तौर पर भी इस मसले को दोबारा जिक्र किया है कि कुरान के बारे में हमारी हमारे सुन्नत वल जमात की बात अकीदा क्या होना चाहिए, हमारा ईमान क्या होना चाहिए, इसको बयान करना शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह का असल मकसूद है। दोहराऊंगा लेकिन उतना दोहराऊंगा जितना शेखुल इस्लाम ने तैमिया ने खुद यहां इस फसल के अंदर दोहराया। पहले आप तर्जमा सुन ले वाज़ह होगा इस अजीम आले के अंदर और वो तर्जमा यूं है कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिकुतुबिल्लाह के अंदर यह है नुक्ता शामिल और दाखिल है और यह भी ईमान बिकिताबिल्लाह ही का अजीम जुज है के इस बात पर ईमान रखना भी वाजिब और जरूरी है कि कुरान अल्लाह का कलाम। और यहां पर मैं ये बता दूं कि कलामुल्लाह अल्लाह ताला की हकीकी सिफत है जो उसकी अजमतों की बरियाई के शायान शान है और अल्लाह का कलाम हुरूफो अस्वात और मानी के साथ होता है और यूं कुरान अल्लाह ताला इसी एतबार से कलाम है। आगे की इबारत में यह लफ्ज है कि मुनज़्ज़रुन इसमें हमारे इस अकीदे का जिक्र है कि कुरान मुनज़्ज़ल है ऐ मिन इंदिल्लाह अल्लाह ताला के पास से अल्लाह की तरफ से और तंजील मिन अल्लाह के दलायल किताबुल्लाह में उसकी आयात में
कई एक हैं, काफी है इतना ही कि इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबिया लअल्लकुम तअक्लून, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र व इन्नहु लतंज़ील रब्बिल आलमीन, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमारे तलबा इन आयात का, इन आयात के मानी का तर्जमा बखूबी जानते हैं कि जिनमें इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि हमने फसबत बिला शक बेअन कुरआन मुनज़्ज़र मिन कुरान गैर मखलूक है और कुरान के गैर यह है कि यह अल्लाह है और अल्लाह ताला की सिफत और तमामी सिफात जो किताब सुन्नत में जिनका इस बात है वो सब अल्लाह की तरह से गैर मखलूक है, अल्लाह खालिक है। माअल्लाह माअल्लाह मखलूक नहीं की तरह उसकी तमाम सिफात और उन्हीं सिफात में से उसका यह भी गैर मखलूक है। और यह भी दलील कि अल्लाह ताला अजीम में फरमाया अला लहुल खल्क वल अम्र, और अम्र भी खल्क में वो तमाम ताला ने कायनात का खालिक अल्लाह ताला है। जाता है और ये कुरान अजीम अमरुल्लाह में से है, कमा قال تعالى وكذلك روح من امرنا। तो अल्लाह ताला का ये कलाम कुरान ये अल्लाह ताला के अमर में से है के अलावा है, मखलूक गर्चे गैर मखलूक का यह लफ्ज इस्तेमाल करना व नस्सही व फस्सही कहीं जिक्र नहीं, को इतने जोरों शोर से फैलाया और यह दावा किया कि कुरान मखलूक है, कि उनकी तर्दीद और उनके इब्तिल के लिए उलमा ने इस मुतजिला व जहमिया के मौकिफ की तर्दीद की खातिर, ताकि अहले सुन्नत वल जमात कुरान अजीम के बारे में अपने अकीदे को इम्तियाज अता कर दे कि यह जहमिया मुतज़िला कि वो अल कुरान मखलूक कहते हैं, तो मौकिफ रहे कि कुरान गैर मखलूक है। मिनहु बदा व इलैही यऊद का तर्जमा यह है कि कुरान जो अल्लाह ताला का कलाम उसी से शुरू हुआ है, ना रसूले
सल्लल्लाहु है नहीं, हरगिज हरगिज नहीं। और कलाम उसी का होता है जो उसको हो, उसके बाद उसके मुबल्लिग का अदा करने वाला तो कहा जाएगा, जैसे कि जिब्रील यह है हुक्म से उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। और इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जिब्रील से सुना और पढ़ा और उसकी तिलावत की। रब्बिल आलमीन, बेशक कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। वह इलैहि यऊद, कुरान के मुताल्लिक यह हमारा एतकाद है कि अल्लाह ताला ही की तरफ यह कुरान लौट जाएगा आखिरी जमाने में कयामत के वक़्त से कबल, जैसा कि हदीस में इसका बयान है और मैं इसको बता चुका हूं, हदीस पढ़ चुका हूं कि रात में कुरान लोगों के सीने से मसाहिफ से इस रुए जमीन से उठा लिया जाएगा, उसका एक हर्फ भी न लोगों के दिल में बाकी रहेगा न मसाहिफ में बाकी रह जाएगा। उसके बाद की इबारत शेखुल इस्लाम ने तैमिया की आप देखें, मसले की अहमियत के पेशे नजर कहते हैं कि वह अन्नल्लाह तकल्लम बिही हकीकतन, अल्लाह ताला ने उसको हकीकत में बोला है। इससे यह साबित करना मकसूद है कि यह अल्लाह ताला की सिफत है, तावील का, कलाम नफसी कहने का, उसके मखलूक कहने का, या ये कहने का कि अल्लाह ताला ने अजल में एक बारगी जो कुछ बोलना था बोला है और उसके बाद उसी माने की तावीरें हैं, इबारतें हैं, हिकायतें हैं कि अगर उसको सुरियानी जबान में ताबीर किया जाए तो इंजील, इब्रानी जबान में बयान किया जाए तो तौरात, और अरबी जबान में कहा जाए तो कुरान। ऐसा नहीं माअल्लाह, बल्कि अल्लाह ने उसको हुरूफ व असवात व मआनी के साथ बोला कि इस जुमले के जरिया दर हकीकत जहमिया मोतजिला लबिया शायरा मातुरीदिया तमाम फिरकों की तरदीद मकसूद है। और ये भी हम इसी बात का एतकाद सिफत हकीकी सिफत है, सिफात बारी ताला का तो सिरे से वहां कोई गुजर नहीं। और इस नुक्ते पर भी गुफ्तगू हम माजी के दौर कर आए हैं। उसके बाद शेखुल इस्लाम ने तैमिया की इबारत का तर्जमा वह अन्न हादल कुरआन अल्लज़ी नज़्ज़लहु अला मुहम्मद हुवा कलामुल्लाह हकीकतन, आप सामईन तलबा इस दर्स से दिलचस्पी रखने वाले ये सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि किस तरह से बाब में बातें ऐसा लगता है कि हमारे शेख इस्लाम ने तैमिया रहमहुल्ला ने मुकर्रर जिक्र किया है, लेकिन ऐसा नहीं। और आपने फरमाया कि ये कुरान कि जिसको अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा नाजिल किया वो हकीकी कलाम है,
इसका मतलब यह है कि दर हकीकत तर्दीद जहमिया मुतजिला की है कि यह मुनज्जल मिन अल्लाह है और उसकी सिफत मखलूक नहीं है, जैसा कि यह गुमराह फिरका कहता है, और अशरिया कुल्लाबिया मातुरिदिया की भी तर्दीद है जो यह कहना चाहते हैं कि कलामुल्लाह माना नफसी का नाम है और जिब्रील ने उसकी ताबीर और हिकायत की है और वो कलामुल्लाह है। ऐसा नहीं, बल्कि कुरान मुनज्जल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला का हकीकी कलाम है कि तकल्लमल्लाहु बिही, अल्लाह ताला ही ने उसके साथ तकल्लुम किया है। ला कलामु गैरिही, ना कि अल्लाह के अलावा का कलाम है। इससे भी तमाम फिरके वाला वाएगा मुनहरिफा की तर्दीद ही मकसूद है कि जो बसा औकात बाज नुसूस से खामखार के लिए यह कौल अपनाना चाहते हैं कि कुरान मसलन यह जिब्रील की ताबीर है, जिब्रील की इबारत है अलैहिस्सलाम, या ये कि यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जैसा कि आयते हाक्का और आयते तकबीर मेवारिद इन्नहु लकौल रसूल करीम की बुनियाद पर वो लोग ये कहते हैं कि देखिए यहां खुद कहा गया है कि ये रसूल करीम का कौल, लेकिन नहीं, कौल उनका नहीं है, इसलिए कि कौल दर हकीकत उसका होता है जो उस कौल को और उस कलाम को पहले बोला हो, पहले कहा हो, पहले उसके साथ तकल्लुम रेज हुआ हो और उसके बाद बतौर तबलीग, बतौर अदा, बतौर किरा, बतौर तिलावत उसके बोलने और उसके कहने वाले का कलाम वो नहीं हकीकी हो सकता है, और उसकी निस्बत बतौर मुबल्लिग और बतौर मुअद्दी हुआ करती है। इस नुक्ते पर भी बहस की जा चुकी है। तो बार बार जो तकरार के साथ कहना चाहते हैं कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है वो अल्लाह ताला की हकीकी सिफत है, वही उसके साथ मुतकल्लिम हुआ है और उसी का कलाम कहा जाएगा कुरान को, ना कि कुरान को किसी और का कलाम कहा जाएगा, माअल्लाह। इसीलिए फिर मजीद तशरीह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की इबारत में है इसी नुक्ते की, कि और यह कहना मुतलकन जायज नहीं है कि यह अल्लाह के कलाम की हिकायत यानी नकल है, या ये कि अल्लाह के कलाम की ताबीर है कि अल्फाजो हरूफ ये अल्लाह के नहीं, अल्फाजो मानी व हरूफ ये अल्लाह के नहीं किसी और के हैं, माअल्लाह, ये गलत है। ये हिकायतुन अन कलामिल्लाह वाली बात ये मुतज़िला और जहमिया का मजहब है, और इबारतुन अन कलामिल्लाह कहना यह है कुल्लाबिया शरिया मातुरिदिया का मजहब है, और दोनों मजाहिब बातिल हैं, और इसी के बुतलान के लिए यह बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया यहां पर जिक्र फरमा रहे हैं कि मुतलकन यह कहना कि यह अल्लाह के कलाम की हिकायत है या अल्लाह के कलाम की ताबीर है नाजायज है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अल्लाह का कलाम इस तौर पर है कि उसके कलाम की हिकायत की है कि हुरूफ व अस्वात को खुद अल्लाह ताला ने लोगों के किसी के अंदर पैदा किया और उन्होंने वो माना और वह हर्फ वो लफ्ज अदा किया, नहीं, या ये कि जिब्रील ही ने जो कुछ कहा वही कलामुल्लाह है, और जिब्रील का की बात जो है वह अल्लाह के कलाम की इबारत है अपने गोया अल्फाज व इबारतों के सांचे में ढाल करके उन्होंने कहा और वही कलामुल्लाह है, नहीं, ऐसा भी कहना नाजायज है, और इन निकात की तर्दीद हम
इससे पहले बहुत तफसील से कर आए हैं। आगे की बार बल इदा कराहु नास औ कतबूहु फिल मसाहिफ लम यखरुज बिज़ालिक अन अन यकून कलाम अल्लाह हकीकतन। जब कुरान को लोग पढ़ें, उसको मसाहिफ में लिखें, तो ये पढ़ना और ये लिखना कुरान के अल्लाह ताला के कलाम होने से खारिज नहीं करता है। यानी बावजूद इसके कि पूरी उम्मत के लोग सहाबा से लेकर के आज तक और कयामत तक पढ़ते रहेंगे, मसाहिफ में लिखा जाता रहेगा, पढ़ने वाले पढ़ें, लिखने वाले मसाहिफ के अंदर उसके नुस्खों के अंदर उसका नस्ख करते रहें, हर हाल में वो कलामुल्लाह ही रहेगा, कलामुल्लाह होने से बाहर नहीं होगा। दलील के साथ मामले को पेश कर रहे शेख इस्लाम ने तैमिया के फाइनल कलाम इन्नमा युवाफ हकीकत इला मन कालहु मुब्तदियन, इसलिए कि कलाम की निस्बत दर हकीकत उसकी तरफ ही की जाती है, की जाएगी जिसने उसको पहले बोला हो, जिसने पहले उसको कहा हो। ला इला मन कालहु मुबल्लिगन मुअद्दियन, ना कि उस कलाम की निस्बत उसकी तरफ करनी जायज है कि जो उसको बतौरे मुबल्लिग अदा करने वाले के तौर पर कहा हो। तो कलाम बात वही जिसने उसको पहले कहा हो। अब अगर उसके बाद लोग उसको और तक पहुंचाते हैं और अपने तौर पर उसको अदा करते हैं, उनका कलाम नहीं कहा जाएगा बल्कि कलाम उसी का होगा जिसने उसको शुरू में कहा, और वो है अल्लाह का कलाम, और कलामुल्लाह है, अल्लाह ही का कलाम है, इसलिए कि वही उसके साथ तकल्लुम रेज हुआ है। आगे का जुमला है वो कलामुल्लाह हुरूफुहु व मानी, और अल्लाह ताला का कलाम उसके हुरूफ व मानी दोनों समेत है। ऐसा नहीं कि खाली हुरूफ है उसका कोई माना नहीं, या ये कि माना उसका कोई हुरूफ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हुरूफ व मानी के साथ ही कुरान जो अल्लाह का कलाम है उसको बोला है और उसके साथ तकल्लुम रेज हुआ है। इसीलिए फिर ताकीद के तौर पर जुमला ला रहे हैं कि लैसा कलामुल्लाहिल हुरूफ दूनल मानी, अल्लाह का कलाम हुरूफ नहीं है मानी को छोड़ करके, और न ही मानी है हुरूफ छोड़ करके। और इन तमाम ये इबारात के अंदर इस बात को बयान करने के साथ कि कुरान अल्लाह ताला का हकीकी कलाम है जो उसकी हकीकी सिफत है, और मुतज़िला जहमिया और इसी तरह से मातुरिदिया शरिया कुल्लाबिया इन दोनों ही ग्रुपों का मजहब कौल बातिल है। आज मैं इतने ही कद्र पर इत्तिफा करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान के मुतालिक दुरुस्त तरीन एतकाद को अपनाने की तौफीक दे। कुछ बातें इसी ताल्लुक से कल भी मैं गोशे गुजार करूंगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि।